जय हिंद। स्वागत है आप लोग का एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आशीष है और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। आज नए टॉपिक का नाम क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सो नया टॉपिक होगा हमारा गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम को क्यों पढ़ना है, क्या इसके इस्तेमाल होने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें और हमें जानना है, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में चर्चा की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी गिवन एरिया से जब पास करती हैं तो उसके नंबर को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए चूंकि हमने पिछले टॉपिक के हिसाब से अगर चले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड होना पड़ता है और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजनरी लाइंस होती हैं और इसको हम देख नहीं सकते, तो गिनना तो बहुत दूर की बात है। सो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर फ्लक्स वाकई निकालना पड़े तो क्या करें, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो काउंट नहीं हो सकती। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर आप काउंट नहीं कर सकते तो पिछली स्टेटमेंट के हिसाब से फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो ऐसी सिचुएशन में एक नया स्टेटमेंट हमारे सामने आया, वो था गॉस थ्योरम। जिन्होंने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए एंड देन फिर आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो गॉस थ्योरम एक सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करता है कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड ना हो करके किसी और तरीके से कैसे हम फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो यही गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि गॉस ने फ्लक्स निकालने का क्या तरीका बताया था विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं क्या था। According to Gauss theorem, total electric flux of a surface is 1 upon epsilon naught times to the charge enclosed by the surface। ठीक है, यहां enclosed शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हम इसके बारे में काफी चर्चा करने वाले हैं। सो गॉस ने कहा कि अगर आपको किसी भी सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए आप ये कीजिए कि जो भी टोटल चार्ज आपके सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है, अपने अंदर रखा हुआ है, उसका 1/ε0 टाइम्स कर दीजिए। अब चूंकि आप देख सकते हैं यहां नॉट लग गया है तो हम यहां पर स्टेटमेंट में सरफेस इन वैक्यूम लिख दें तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके सामने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। गॉस ने कहा किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, उस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, ठीक है, उसको निकाल लीजिए और उसका 1/ε0 टाइम्स कर दीजिए, यू विल गेट द फ्लक्स। इसी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो आपको पता है कि गॉस लॉ क्या निकालने में हेल्प करता है, फ्लक्स निकालने में। तो फ्लक्स को हम जानते हैं फाई से दिखाते हैं और छोटा सा यहाँ लगा देंगे ई, क्योंकि हमने आपको बताया था कि फ्लक्स दो तरह का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए रूल दिया गया था। मान लेते हैं कि हमारा एक यहां पर सरफेस है, लेट इट बी स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज हो रखा है, ठीक है। सो इसका फ्लक्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो गॉस ने कहा कि भैया जो आपका टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है दैट इज क्यू, उसको आप क्या करें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें या 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यही है हमारे लिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट प्लस उसका मैथमेटिकल फॉर्म। नाउ हम जानते हैं कि फाई का एक और वैल्यू है हमारे पास, तो कहीं कहीं पर आप फाई का ये वैल्यू भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहीं कहीं का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपने फाई का ये वाला वैल्यू ही तो देखा होगा। सो ये भी फाई का वैल्यू, ये भी फाई का वैल्यू, अगर हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ कंबाइन कर दें तो आपको मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ये हो जाएगा हमारे लिए फ्लक्स के फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म अगर हम फाई के बदले ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है ना। सो ये भी फ्लक्स देगा, ये भी फ्लक्स देगा और दोनों फ्लक्स बराबर होंगे, यानी अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फ्लक्स निकालें जो कि फॉर्मूला ये रहा, या फिर आप अगर टोटल चार्ज का अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके फ्लक्स निकालें तो उसका फॉर्मूला ये रहा, दोनों कंडीशन में आपको फ्लक्स की वैल्यू बराबर ही मिलने वाली है। तो ये था गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब अगले स्टेप में ये चूंकि थ्योरम थी ना तो हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा। ये
phi is equal to q by epsilon naught की हम प्रूविंग करना चाहेंगे। मैं आपको एक चीज प्रूविंग से पहले यह बता दूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस स्फेयर के बाहर यहां कहीं सिचुएटेड है, ये अगर बाहर सिचुएटेड है तो इसका फ्लक्स में कोई योगदान नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके फ्लक्स में। किसी भी बॉडी के बाहर अगर चार्ज सिचुएटेड है तो उसका फ्लक्स में कोई रोल नहीं है, केवल चार्ज इनक्लोज्ड ही फ्लक्स में योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है। सो ये ध्यान रखेंगे कि हम इसका चार्ज अगर बाहर रखा हो तो ये फ्लक्स में क्यों आपको कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसका प्रूविंग हम इस वीडियो के लास्ट में करके दिखाएंगे कि किसी भी बॉडी के बाहर जो चार्ज सिचुएटेड है वो क्यों हमारे लिए फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अभी हम क्या करने चल रहे हैं, इसको हटा देते हैं। आई होप आपको ये स्टेटमेंट ठीक लगा होगा, समझ में आ गया होगा। सो अभी चलते हैं इस फॉर्मूले की प्रूविंग पर कि ये फॉर्मूला किस तरीके से ट्रू प्रूव किया जाए। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, इसकी प्रूविंग करते हैं। इसको कहते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं दूसरा बल्कि, और स्टेटमेंट हटा देते हैं यहाँ से। बस आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम जब फॉर्मूला निकाल के लाएंगे उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस का स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म था ना। तो चलिए आइए इसका प्रूफ कर लेते हैं, किसका, गॉस थ्योरम का। क्या किया जाए, ये हमारे पास एक स्फेयर ले लिया हमने, ठीक, थोड़ा सा इसको और बढ़िया बना लें तो ठीक ठाक बना लें तो ठीक है, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं। लेट इट बी स्फेयर। अब इस स्फेयर का ये सेंटर है जहां पर प्लस क्यू चार्ज यहां पर अवेलेबल। अच्छा ध्यान ये दीजिएगा, ये जो प्रूविंग हम कर रहे हैं वो सिंगल चार्ज को लेके कर रहे हैं, सिंगल चार्ज को लेके कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि इससे आर डिस्टेंस दूर उस जगह पर यहां पर एक पॉइंट है पी। अब डेफिनेटली आप जानते हैं कि अगर यहां पर आप चार्ज ले रहे हैं तो इस चार्ज की वजह से यहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए हम पूरे सरफेस को एक साथ कंसीडर नहीं करेंगे, दरअसल हम इस सरफेस का केवल एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे जिसके ऊपर हम फ्लक्स निकालेंगे, और इस छोटे से पार्ट को जिस पर हम फ्लक्स निकाल करके उसको इंटीग्रेट करेंगे इसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस कहा जाता है, ये वो सरफेस होता है किसी बड़े सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर हम फ्लक्स निकाल के देन उसको इंटीग्रेट करके पूरे सरफेस के लिए निकालते हैं, क्योंकि हम पूरे सरफेस को एक साथ नहीं निकाल सकते। तो गॉसियन सरफेस हम इसको ले रहे हैं। अभी गॉसियन सरफेस का एक, चूंकि ये सरफेस है तो इसका कुछ एरिया भी होगा, एरिया होगा तो उसका एरिया वेक्टर किधर ले, मान लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर ये रहा, क्या नाम दे दें इसको, डीएस वेक्टर। अच्छा, इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के लगातार बाहर की तरफ जा रही होंगी, सो बाहर की तरफ और जो लाइंस जा रही होंगी उनको तो रहन देते हैं, लेकिन ये बताइए कि इस गॉसियन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनाएंगी वो किस तरफ बनाएंगी। तो डेफिनेट सी बात है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अवे फ्रॉम द चार्ज दिखाई देगा, अवे फ्रॉम द चार्ज बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होता है, और एरिया वेक्टर तो हमेशा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर हम लेते ही हैं, ये तो हम पुराने लेक्चर्स में अपना चर्चा कर ही चुके हैं। सो इस डायग्राम के साथ हम अपनी प्रूविंग करेंगे, तो बहुत लंबा नहीं चलेंगे प्रूविंग में, हम पूरा स्टेटमेंट इसमें लिखना पड़ता है आपको कि बेसिकली ये आपने क्या लिया है। लेट इट बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर है, एंड द प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और लेट डी एस वेक्टर इज अ गॉसियन सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टू बी कैलकुलेटेड, वगैरह वगैरह लिख दीजिएगा। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, चूंकि हम देख रहे हैं कि इसमें आपके पास एक चार्ज पार्टिकल प्ले में आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज पार्टिकल जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट करेगा। सो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, पी पर, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। चलिए कितना होगा, अब ये चीज तो ऐसी है कि हम बहुत पहले से जानते हैं कि ई वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई
आर स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर रहने देते हैं। अगर हम यहाँ वेक्टर लेंगे तो हमें यहाँ आर कैप लगाना पड़ेगा। हम इसकी डेरिवेशन को कॉस थीटा से करना चाहते हैं। मैं इसकी डेरिवेशन के आपको बेसिकली दो तरीके बताऊंगा। एक, जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तब क्या होगा, और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में ना लें ऐसे ही लेके सॉल्व करें तो क्या फ़र्क आएगा। दो चीज़ें आपको बताऊंगा, आप दोनों पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल मैं इसको केवल ई ले रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पी पॉइंट पर, और ये उसका फॉर्मूला है, और ये किधर होगी, सो इट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ इंडिकेट करेगी क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उस पॉइंट पर, तो डेफिनेट सी बात है कि इस चार्ज पार्टिकल से बहुत सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके इस एरिया से आर पार जा रही होंगी। तो जब किसी गिवन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार होती हैं तो उसके लिए हम फ्लक्स निकालते हैं। तो हम उस पॉइंट पर फ्लक्स निकालेंगे, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट गॉसियन सरफेस। अच्छा, क्या होगा उसका फॉर्मूला? सो वी हैव फाइ ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर और डीएस वेक्टर, ठीक है। अब यहां पर मैं अभी ई का वैल्यू नहीं पुट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा कि यहां से वेक्टर रिमूव कर लिया जाए। सो क्या हो जाएगा, फाइ ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ, ये आ जाएगा ई इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आप यहां पर ला करके ई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि यहां वेक्टर फॉर्म में था, और ये हमने वेक्टर ने केवल मैग्नीट्यूड ले रखा है, तो मैंने यहां से इसका केवल मैग्नीट्यूड लिया, कॉस लगा दिया तो सिंबल हट गया। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो यहां इसको थोड़ा सा डायग्राम को हटा लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है मेरे लिए। सो लीजिए, आइए अब यहां पर ई का ये वैल्यू पुट किया जाए, आइए पुट करके देखते हैं। सो अगर हम यहां ई का वैल्यू पुट करते हैं, सो क्या आता है, क्लोज्ड इंटीग्रल, और ये ई का वैल्यू डाल दीजिए इसमें ला करके, 1/4πε0 क्यू बाई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो। अब आप कहेंगे सर जीरो क्यों, देखिए ये थीटा होता है इन दोनों के बीच का, ई और डी एस के बीच का। जरा इस पॉइंट पर आके देखिए, ई का डायरेक्शन और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना कंसीडर हो जाएगा, जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे कि हम देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ध्यान से देखिए अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेट किसे किया जाता है, जिसके साथ डी लगा है, मतलब जिसको हमने छोटा स्मॉल अमाउंट लिया है। तो ये तो अपनी कंप्लीट फॉर्म में है, केवल डी एस को ही इंटीग्रेट करना है, और हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या होता है, खैर दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो यहां देखते हैं, इस जगह पे देखते हैं कि इसे क्या करना है, ठीक है। आइए डेरिवेशन अब बहुत लंबी नहीं है इसकी, आइए देखिए। सो फाई ई हम यहां से 1/4πε0 और ये क्यू बाई आर स्क्वायर को बाहर कर दिया, क्लोज इंटीग्रल डी एस कर लिया। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लोज इंटीग्रल डी एस का मतलब क्या होता है, कि हम इसको टोटल सरफेस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, टोटल सरफेस। आप टोटल सरफेस एरिया ले लीजिए या कर्व सरफेस एरिया ले लीजिए, लेकिन हम पूरा एरिया कवर करेंगे इसमें। तो यहां पर ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है, ये टोटल सरफेस एरिया दिखाएगा, चूंकि ये एक स्फेयर हमने यहां कंसीडर किया था। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 2πr, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दिखाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इस कंडीशन में किसका लेंगे, स्फेयर का लेंगे। किसका लेंगे, हम स्फेयर का लेंगे, दैट इज 2πr। इस जगह पे ये फॉर्मूला पुट करके देखें जरा क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू, और यहां पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2πr, ठीक है। तो यहां से सॉरी, ये फॉर्मूला जो है ये 4πr² आएगा इसमें, 4πr². सो 4π से 4π गया, r² से r² गया, तो बचा क्या, फाइनली e इज इक्वल टू q/ε0, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये यहां पर टोटल सरफेस एरिया 4πr² आ जाएगा। तो हम यहां 4πr² पुट करेंगे, तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचा q/ε0।
तो ये रहा गॉस थ्योरम का जो प्रूफ था, जो हमने फॉर्मूला यूज कर रहे थे उसकी प्रूविंग क्या होगी। सो उसकी प्रूविंग कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि हम आपको इसी चीज को समझाएंगे एक और तरीके से। जब आप शुरुआत में, जब अभी हमने जो वो ई वेक्टर लिया था, ई की जो वैल्यू ली थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो हमने उसको वेक्टर फॉर्म कंसीडर नहीं किया था। सो अगर उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे थे तो ये कंडीशन थी, और वेक्टर फॉर्म में ले लें सो क्या कंडीशन होगी, यहां पर आप देख लीजिए। अगर आप शुरुआत में उसको ले लेते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π ε0, तो आप जानते हैं कि यहां आपको आर कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आप अभी थोड़ी देर में देख रहे थे कि हमने इसको ला करके इस जगह पे पुट किया था, क्यों? तो अब जब यहां लाके ई वेक्टर की हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी, तो 1/4π ε0 q/r² × r कैप, और ds वेक्टर की वैल्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये आ जाएगी ds × n कैप, है ना। जब इसको वेक्टर फॉर्म हटाएंगे तो ये n कैप आ जाएगा, और r·n विल गिव 1, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही यूनिट वैल्यूज हैं, तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए फाई का ये जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/4π ε0 q/r² × ds, और ये आप देख सकते हैं ये वही फॉर्मूला है जो हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो चाहे आप इसको यहां पर वेक्टर फॉर्म ना लेकर के इनको हटा के कॉस लगा के डेरिवेशन करें, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में लेकर के इसकी वैल्यू में आर कैप, इसकी वैल्यू में एन कैप इन्वॉल्व करके इसको 1 लेके करें, दोनों मेथड सेम है, दोनों से आंसर वही आना है, क्योंकि आर कैप डॉट एन कैप भी आपको 1 देंगे, और अगर आप कॉस थीटा इन्वॉल्व करेंगे तो ये भी आपको 1 प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास इसके प्रूविंग, गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करना था, कैसे इसको हम यूज़ करते। तो ये तो था सिंगल चार्ज की वजह से, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे बॉडी पर सिंगल चार्ज हो, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ज, यानी कि प्लस क्यू, एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हम मानते ये हैं कि सरफेस कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है। सो अगर हम उसको यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस लेते हैं तो फिर इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, देखिए अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं डायग्राम को, थोड़ा डायग्राम चेंज कर लेते हैं। गॉस थ्योरम किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, अब फॉर एन नंबर ऑफ चार्जेस एट सरफेस, ये है हमारा स्फेयर, ठीक, ये लीजिए, और पूरे पर प्लस 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 चार्ज इस तरीके से मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है पूरे सरफेस पर। अब ये ले लिया आपने गॉसियन सरफेस, तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, क्या वो केवल किसी एक चार्ज पार्टिकल की होंगी? नहीं। कहने का मतलब है कि इस सरफेस के फ्लक्स में क्या केवल किसी एक चार्ज का योगदान होगा? नहीं, हर एक चार्ज पार्टिकल अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। तब इस सिचुएशन में हम टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए आप जानते हैं कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप क्या कर लेंगे, आप उसका एल्जेब्रिक सम कर लेंगे, है ना। सो मान लीजिए कि इसमें एक चार्ज पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, तो ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। सो पहले वाले की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसको फाई 1 माना, दूसरे वाले की वजह से जो आया उसको फाई 2 माना, ऐसे ही फाई 3 प्लस डैश डैश डैश, अब चूंकि एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो फाई एन ले लिया, क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी क्या वैल्यू पुट करेंगे आप भाई, चूंकि ये सारे चार्ज पार्टिकल तो आप जानते ही हैं कि भैया अब ये चार्ज पार्टिकल जरूरी थोड़ी ना बराबर हो, तो q1/ε0 ले लीजिए, q2/ε0 ले लीजिए, ये q3/ε0 कर लीजिए, डैश 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 चले जाइए, इसको आप qn/ε0 ले लीजिए, ये तो कॉन्स्टेंट है, सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है ये चार्जेस की वैल्यू अलग अलग हो। सो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि सब में से 1/ε0 कॉमन है, q1+q2+q3++qn। अब आपने कूलम्स लॉ के साथ साथ ही एडिटिविटी ऑफ चार्जेस पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी सरफेस पर टोटल चार्ज निकालना है तो हम सभी चार्जेस को एल्जेब्रिक सम करके ऐड कर सकते हैं। सो हम इस पूरे के बदले कैपिटल क्यू ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा फाई टोटल इज इक्वल टू Q/ε0, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए। ये कैपिटल क्यू कहाँ से आया, ये आप देख सकते हैं इस जगह पर, हमने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ जब चार्जेस लेते हैं और जब उन सबको ऐड करते हैं तो हम उसे कैपिटल क्यू से दिखाते हैं।
सो ये इन सब का सम कैपिटल क्यू आ गया। तो ये तो हो गया आपके पास गॉस थ्योरम, एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। वैसे हम लोग इसको जब डिराइव करते हैं तो स्फेयर लेते हैं और स्फेयर पर हम सिंगल चार्ज पार्टिकल ही मान करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूले अभी तक हम देख रहे थे, आप देख सकते हैं सब में एप्सिलॉन नॉट चल रहा था लगातार, और हमने अपने स्टेटमेंट में भी, आपको याद होगा तो हमने वैक्यूम का जिक्र किया था कि गॉस थ्योरम ने ये जो भी स्टेटमेंट दिया है उसमें कहा है कि चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द स्फेयर और द सरफेस इन वैक्यूम। लेकिन अगर मैं इसी स्फेयर को वैक्यूम में ना रख करके किसी अदर मीडियम में लेके चला जाऊं तो क्या फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? आइए, गॉस थ्योरम का वो जो फॉर्मूला था वो किसी मीडियम के लिए क्या बिहेव करेगा? गॉस थ्योरम फॉर अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के, ठीक है। अच्छा, अभी फॉर्मूला क्या जानते हैं हम? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये तो वैक्यूम के लिए था, ये तो वैक्यूम के लिए था। जब किसी मीडियम में आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? वी नो दैट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, वो क्या मिलेगा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए, फॉर वैक्यूम, भाई वैक्यूम अगर आप लेते हैं तो हमने आपको कई बार पुराने वीडियोस में अगर आप जाके देखें सो हमने कहा है कि वैक्यूम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करते, हम एप्सिलॉन यूज करते हैं खाली। तो वैक्यूम में वैसे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, बस ये नॉट हट जाएगा, यहां से वैक्यूम के बदले ही लग जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो वैल्यू है ना 8.85 × 10^12 वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, ना कि एप्सिलॉन की है, तो फिर हमें सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। सो ऐसे में वैक्यूम के लिए जो फॉर्मूला आप बनाएंगे उसमें केवल ये एप्सिलॉन इससे रिप्लेस कर देंगे, सो बेसिकली फॉर्मूला आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। ये है हमारा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला जब आपका स्फेयर किसी ऐसे मीडियम में रखा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो। सो कुछ खास नहीं होगा, इसी फॉर्मूले में यहाँ के इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों आएगा वो के, ये पूरा मैंने बता दिया आपको कि भैया के कैसे आएगा। वैक्यूम के लिए फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू होती है के एप्सिलॉन नॉट, कैसे? इस रिलेशन से। ये रिलेशन क्या है, आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ही होगा आपने, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है वैक्यूम की, फ्री स्पेस की और मीडियम की, वहां से रिलेशन निकल करके आया, उस हिसाब से हमने हल करके अपनी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये था गॉस थ्योरम के बारे में कंप्लीट डिटेल, जो भी हमारे पास जानकारी थी आपसे हमने शेयर किया। लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि एक बात ध्यान रखिएगा, हम ये प्रूव करेंगे कि क्यों एक चार्ज पार्टिकल जो कि बाहर रखा है सरफेस के, वो क्यों ऐसा होता है कि वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, ठीक है। उसका क्वेश्चन लिख लेते हैं बाकायदा, क्वेश्चन है प्रूव दैट चार्ज आउटसाइड द सरफेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन फ्लक्स ऑफ अ सरफेस, ठीक है। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, ठीक है। अब अगर इस सिलेंडर को लिया जाए और मान ले कि यहां कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, देखिए वो हमने कंडीशन ली है ना कि चार्ज कहां है, आउटसाइड द सरफेस है। तो ये सरफेस हमने लिया, इसके बाहर हमने इसको ले लिया। अब क्या है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो लगातार इस तरीके से सरफेस के जाएंगी। अब चूंकि आपने इसको गॉसियन सरफेस लेना ही है क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी और उसके अंदर से बाहर निकलेंगे, तो इसको भी आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर करना ही पड़ेगा। ये इसका प्रूविंग बता रहा हूं कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि किसी सरफेस के बाहर अगर चार्ज पार्टिकल हो तो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर जा रही होंगी, सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट पर हो जाएगी। अब गॉसियन सरफेस ये आपने ले लिया तो भैया इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऑब्वियसली बात है, हमेशा आउटवर्ड, अंदर तो ले नहीं सकते ना, क्लोज सरफेस के लिए अंदर ले ही नहीं सकते। सो ये आ गया डीएस वेक्टर, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बाहर।
ये आ गया आपका ds वेक्टर। हम एक और ले लेते हैं, अब बात ये आती है कि सर यहीं क्यों, हम यहाँ ले लेते हैं। लीजिए, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ। चलो फिर, चूंकि आपने तीन गॉसियन सरफेस लिए हैं तो तीनों गॉसियन सरफेसेस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करने चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। इसका नाम दे दो वन, इसका नाम दे दो टू, इसका नाम दे देते हैं थ्री। सो क्यों हम ऐसा कह रहे हैं ये जानने के लिए अब आइए यहां पर हम टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, टोटल फ्लक्स ऑफ सिलेंडर फाई। सो फाई हमने अभी भी देखा कि वो फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, अभी हमने देखा था वो एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए, हर चार्ज पार्टिकल का अलग अलग हम फ्लक्स कैलकुलेट करके यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखते हैं फाई निकालने के लिए, इस पॉइंट पर फाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे यहां पे? आप पुट करेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, इधर सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज, कोई चेंज नहीं होगा। इधर भी बिल्कुल वही सेम चीज पुट कर लीजिए, हटाइए यहां से सब जगह से एरो हटाइए, तो आप महसूस करेंगे कि सब जगह कॉस थीटा आ रहा है, और यही कॉस थीटा हमें यह बताएगा कि क्यों हम आउटसाइड द चार्ज पार्टिकल को फ्लक्स के लिए कंसीडर नहीं करते। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पहला सरफेस है, ये दूसरे के लिए है, तीसरे के लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आइए पहले पहले वाले की चर्चा की जाए, ये रहा हमारा पहला सरफेस। अगर आप पहले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये देखें जो कि इस तरफ है ना, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें ए पॉइंट पर, ये फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरफ जा रही हैं, ये उस तरफ जा रहा है, तो आप महसूस करेंगे एंगल दोनों सिचुएशन में 90 बन रहा है। अगर दोनों कंडीशन में एंगल 90 है तो फिर आप यहां पर थीटा कितना पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू, यहां पर आप कॉस 90 पुट कर लेंगे, इस जगह आ जाइए, यहां पे कॉस थीटा छूट गया है, लगा लेते हैं। अच्छा, ये लिखा है टू, सेकेंड नंबर पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ जा रही हैं, आप देख सकते हैं बहुत साफ साफ दिख रहा है, और एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो डेफिनेट सी बात है यहां पे आप पुट करेंगे कॉस 180, है ना, यहां पे पुट करेंगे कॉस 180 प्लस। और इस थर्ड वाले केस में अगर आप देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन सेम है, तो आप यहां थीटा पुट कर लेंगे 0 डिग्री। ठीक, फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमने तीन सरफेस लिए थे, एक गिरा, एक वोरा, एक वोरा, इधर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल 90 बन रहा है, 90 पुट किया हमने, इस वाले में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है 180, तो 180 पुट कर लिया, इधर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना बनेगा 0, तो हमने 0 पुट कर लिया। अब चलिए इसके वैल्यूज निकाल करके देखें, हम यहां पर जगह की कमी है इसलिए मैं इस पार्ट पर कर लेता हूं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज कॉस 90, 0, ये पूरा कितना हो गया 0। आइए ये देखिए टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स निकाल रहे हैं, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरा ही 0 बन गया। अब आ जाइए इस तरफ, कॉस 180 माइनस 1, ये लीजिए कॉस 180 माइनस 1, सो ये बन जाएगा आपके लिए माइनस की वैल्यू, माइनस क्लोज इंटीग्रल ऑफ e इंटू डी एस। ठीक, और तीसरा केस देखिए, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 इज 1, सो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ e इंटू डी एस। अब आप जरा देखें भाई, इसके लिए तो फ्लक्स ऑलरेडी 0 हो गया था, इसके लिए माइनस का हो गया, इसके लिए फ्लक्स प्लस का हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, और आउटसाइड रखे हुए चार्ज पार्टिकल के लिए उस सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। देख रहे हैं आप, इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो आउटसाइड द सरफेस रखा है तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स 0 होता है। सो टोटल फ्लक्स इज 0 फॉर एनी सरफेस इफ चार्ज इज केप्ट आउटसाइड द सरफेस। लीजिए, इसकी हमने प्रूविंग भी देख ली कि क्यों ऐसा कहा जाता है,
तो ये जो आपने देखा गॉस थ्योरम के बारे में, ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था गॉस थ्योरम। आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इस टॉपिक में अगर और कुछ आपके डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके बताएं, डेफिनेटली हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए, तब तक अगली वीडियो का वेट करते हैं। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।